मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके साथ बहुत बुरा हो रहा है, धोखाधड़ी हो रही है। मैं बता रहा हूँ कैसे हो रहा है। देखो, तुमने ये क्रीम फेयरनेस के लिए यूज करी, तुम्हें मिल गया साइड इफेक्ट। अब तुम परेशान, इसको बंद कर रहे हो तो भी दिक्कत हो रही है। आपका चेहरा जो पहले ज़्यादा डार्क हो जा रहा है, और जिस कॉस्मेटिक शॉप वाले या फिर आपने जिसके कहने पर गए हो या फिर लिया हो, खरीदा, उससे आप कुछ बोल नहीं सकते हो। और दूसरी बात, ऐसी क्रीमें क्यों साइड इफेक्ट देती है? क्या कोई इलाज है जिससे आप परमानेंट फेयरनेस पा सकते हो या फिर बेस्ट फेयरनेस? कोई ऐसी क्रीम जिसको यूज करने से आपको कोई साइड इफेक्ट ना हो और आपकी स्किन की, फेस की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाए? ऐसी क्रीम के बारे में जानकारी के लिए ये वीडियो पूरी देखना। मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, इससे साइड इफेक्ट आपको हो गए, नहीं बंद कर पा रहे, उससे मुक्ति का रास्ता भी इसी वीडियो में बताऊंगा। एक ऐसी क्रीम के बारे में बताऊंगा जो बिना साइड इफेक्ट को आपको गोरा बनाएगी। लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को पे अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हम बात करते हैं स्किन लाइट क्रीम के बारे में। देखो, स्किन लाइट जैसी क्रीमें और भी हैं, जैसे नो स्कार्च की मैं बात करूँ, स्किन लाइट के बारे में बात करूँ, के लाइट के बारे में बात करूँ, इसके ऊपर मैंने पहली वीडियो बनाई। ये क्रीम कुछ अलग नहीं है, सेम है, बस नाम इसका अलग है, ब्रांड नेम इसका अलग कर दिया गया है। ये क्रीम 15 ग्राम की क्रीम है और इसकी एमआरपी की अगर आप बात की जाए तो एमआरपी बहुत ही ज़्यादा इसकी देखने को मिल जाएगी। एमआरपी इस पर कम से कम 163 रुपये, वहीं स्किन शाइन आपको 60 रुपये 50 रुपये में मिल जाएगी। अब हुआ क्या है, आपने इसको यूज किया, आप 2-3 रात गोरे रहे और काफ़ी दिन तक यूज करते रहे, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। लेकिन आपको ना इसके दो तरफा जो मुंह है, इसका दो तरफे के जो चेहरे होते हैं, उसके बारे में पता नहीं था। आजकल के दिनों में हर इंसान के होते हैं, उसी तरीके अब क्रीमों के भी होने लगे। शुरुआत में आपको छड़ी दिखा देती है, बाद में आपको रुला देती है। तो हुआ क्या, आपको आपके रेडनेस होने लगी, ठीक है। अब कब पता चली, पता आपको रेडनेस, जब आपके सामने वाले दोस्त ने आपको टोक दिया कॉलेज में, ऑफिस में, या फिर कहीं पे गया कि यार भाई तेरा चेहरा बहुत लाल हो रहा है, बहन तेरा चेहरा क्या लगा रही, चेहरा इतना लाल हो गया टमाटर की तरह। तब हुआ, आपकी स्किन जलने लगी, आपकी स्किन की नसें दिखने लगी, आपको फील हो रहा है आपकी स्किन की जो पहली लेयर वो डैमेज हो चुकी है और पपड़ी के रूप में वो निकल रही है। ये चीज़ आपको फील हो रही है, आपकी कलर डिसबैलेंस हो गया है। ये चीज़ें आपको पता चल गई कि किसकी वजह से हुई, आपको पता चल गई इस क्रीम के साइड इफेक्ट हैं ये। लेकिन आप इस क्रीम को आपने बंद कर दिया, हुआ क्या, पहले से ज़्यादा स्किन डार्क हो गई और परेशान हो गए, और फिर से उस डर में आपने फिर से ये क्रीम शुरू कर दी। ऐसे लोगों के लिए आपको करना क्या है, इस वीडियो को 3-4 लोगों तक ही शेयर करना जिनको ऐसी प्रॉब्लम हो। और आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो और इनकी वेबसाइट theskinproductor.com, वहाँ पर जाके एक क्रीम आप ले सकते हैं। 3 के सेट में आती है, ठीक है। ये क्रीम कॉपी भी बहुत आती है, ओरिजिनल के लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, तो इसको ले लेना है। और इस क्रीम को लेना है, दोनों को मिक्स करके लगाना है 3-4 रात, उसके बाद इस क्रीम को बंद कर देना है, इस क्रीम को कंटिन्यू यूज करना। 7 दिन के अंदर आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे कि हाँ आपकी स्किन पे अब सुधार हो गया, जो आपकी स्किन पतली हो गई थी वो नॉर्मल होने शुरू हो गई, रेडनेस कम होने लगी है, हेयर ग्रोथ जो आपकी स्किन पे हो रही थी वो रुक गई है, आपकी स्किन की जो पपड़ियाँ निकल रही थी वो सब बंद हो चुकी हैं। अब मैं बात करूंगा उन लोगों की जिन लोगों ने इस क्रीम को बंद कर दिया लेकिन उनके साइड इफेक्ट नहीं गए हैं, अभी भी साइड इफेक्ट हैं, उन लोगों को मिक्स करके लगाने की जरूरत नहीं है। वो लोग क्या करेंगे, इस क्रीम को डायरेक्ट अपने फेस पे रात को अपना फेस वॉश करना है, धुलना है, मतलब कि चेहरे धुलना है, सादे पानी से धुल सकते हो, ये क्रीम लगानी है और सो जाना है, सुबह उठ के फिर से वॉश कर लेना सादे पानी से। अगर आपके बजट में है तो आप इनका फेस वॉश भी परचेज कर सकते हो, ये भी आपको हर जगह मिल जाएगा, ये आपको नज़दीकी मेडिकल शॉप पर भी मिल जाएगा, तो आप फेस वॉश भी यूज कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, सबसे पहली बात देखिए, आपने 7 दिन यूज कर ली, आपको रिजल्ट मिलने लगे, आपने 2-3 महीने यूज किया, आपके जितने भी साइड इफेक्ट थे ठीक हो गए। अब आपके मन में सवाल आया, क्या ये क्रीम ऐसी, अगर इस क्रीम को मैं बंद कर दूं तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा? बहुत सारे लोग सोचते हैं, क्या इस क्रीम को मैं हमेशा के लिए यूज कर सकती हूँ या कर सकता हूँ लाइफ टाइम के लिए? क्योंकि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है भाई साहब, इसमें टर्मरिक मिली हुई है, इसमें आलमंड ऑयल है, इसमें अंकुरित गेहूँ है, समझ रहे हैं? तो इसमें इतनी ज़्यादा प्रोटीन इंग्रेडिएंट्स हैं, विटामिन्स हैं, जैसे कि आपको पता होगा आलमंड जो ऑयल होता है वो रिच होता है विटामिन ई से। विटामिन ई अब आपने फेस पे जितनी भी सारी जो हल्दी टर्मरिक की जितनी भी इसमें खूबियाँ हैं सारी आप रात को लगा रहे हो सोते समय, तो आपकी स्किन नॉर्मली बात है भाई हेल्दी हो ही जाएगी, ठीक है। आपकी स्किन हेल्दी हो रखी है, आपकी स्किन फेयर हो गई है, आपकी स्किन पे झाइयाँ वगैरह की भी प्रॉब्लम इसको यूज करने से नहीं होगी। अगर आपके झाइयाँ भी हैं तो इस क्रीम को यूज करने से वो भी ठीक हो जाएगी। अगर आपको कोई भी क्रीम सूट नहीं करती किसी भी तरीके से या फिर साइड इफेक्ट मिले, तो उन लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट क्रीम होने वाली है। मैंने तुमको फायदे बता दिए, अब मैं बात करता हूँ इसको यूज करना बंद कर दोगे तो क्या होगा। इस क्रीम को यूज करना बंद कर दोगे तो यार, अभी जब तुम उनको इसको यूज करना शुरू करोगे तो आपकी स्किन पे एक ग्लो बना रहेगा, 24 घंटे ग्लो आएगा, आपकी स्किन मॉइस्चराइज रहेगी, सूखेगी नहीं।
तो सिंपल सी बात है, जब आप अपने रात को लगाना बंद कर दोगे तो आपकी स्किन से ग्लो जाएगा और मॉइस्चराइजिंग जाएगा और फेयरनेस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, 19-20 रहेगा। आप अपनी स्किन की केयर कर लेना, ज़्यादा धूप वगैरह में मत जाना। सिंपल सी बात, अगर धूप में नहीं जाओगे स्किन डल नहीं होगी, पॉल्यूशन में नहीं जाओगे स्किन पे, जो अल्ट्रा पार्टिकल होते हैं छोटे छोटे कण होते हैं आपकी स्किन में डीप में जाके जमा नहीं हो पाएंगे, तो आपकी स्किन अच्छी रहेगी। और हाँ, इन फ्यूचर इस क्रीम को आप फिर से कंटिन्यू करना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, फिर से कंटिन्यू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये क्रीम करती क्या, जितनी भी जो पॉल्यूशन के कण होते हैं आपके ओपन पोर्स में चले जाते हैं, ब्लैकहेड्स नहीं बन जाते हैं, इसकी वजह से आपकी स्किन सांवली दिखने लगती है। तो ये करेगी क्या, रात को आप लगाओगे तो सिंपल सी बात है, जितनी भी ब्लैकहेड्स होते हैं और जितनी भी टैनिंग वगैरह होती है ये सब निकाल देती है और सुबह आपका चेहरा फिर से चमकदार हो जाता है। दोस्तों ये फायदे थे इस क्रीम के, ये वही क्रीम है जिसके बारे में बात कर रहा था, तो बिना साइड इफेक्ट के आपको फेयरनेस देगी, कोई इसके साइड इफेक्ट नहीं है, सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी, आयुर्वेदिक क्रीम है। और तो और जिन लोगों को कोई क्रीम नहीं सूट कर रही वो लोग किसी क्रीम के तलाश में थे, तो उन लोगों को भी एक बार ट्राई कर लेनी चाहिए, इस क्रीम को आप ट्राई करें और बताएं कैसे रिजल्ट है। और हाँ, जिन लोगों को साइड इफेक्ट है प्लीज़ ये वीडियो शेयर कर देना उन तक, की कोई सवाल हो प्लीज़ कमेंट कर देना। मैं मिलता हूँ एक अगली वीडियो में, तो अगले बाय, टेक केयर। कोई सवाल मेरे से, कोई जानकारी छूट गई हो, आप कोई सवाल का जवाब चाह रहे हो हमसे, तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तो बाय, टेक केयर।